दोस्तों सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 मैट्रिक इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ चुकी है। दोस्तों इस बार जो है अधिकतम बच्चे जो है पास होने वाले हैं, फेल होने का चांसेस जो है बहुत ही कम है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए हैं, बोर्ड एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया है और आप लोगों का जो रिजल्ट तैयार हो रही है वो 9वीं और 11वीं के परिणाम के आधार पर तैयार किया जा रहा है। कई सारे बच्चों के ये सवाल मन में पनप रही है, कई सारे बच्चे जो है हमें कॉमेंट कर रहे हैं कि सर अगर मेरा 1-2 अंक कम हो जाता है तो क्या मुझे फेल कर दिया जाएगा, अगर फर्स्ट डिवीजन में या सेकेंड डिवीजन होने में 1-2 अंक मेरा कम हो जाता है तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे फर्स्ट डिवीजन किया जाएगा या डिवीजन कर दिया जाएगा या फेल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आज की डेट में आज जो है जैक बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। दोस्तों सबसे पहले आप मेरे पीछे देखिए यहां पर क्या लिखा, जरा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखो लिखा है कि 9वीं और 11वीं में एक विषय में फेल रहने पर 5 अंक का ग्रेस, यानी कि 9वीं और 11वीं की किसी भी विषय में अगर आप फेल हैं तो आपको जो है ग्रेस अंक देकर जो है पास कर दिया जाएगा किसी भी विषय में, चाहे आप हिंदी में है, मैथ में है, साइंस में है, सोशल साइंस में है, इंग्लिश में है, किसी भी विषय में आप लोग फेल हैं तो आपको जो है ग्रेस अंक देकर जो है पास कर दिया जाएगा, आप लोगों का रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। तो ऐसे अंदाजा लग रहा है कि आप लोगों का जो फेल होने का चांसेस जो है बहुत ही कम है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा है कि फर्स्ट व सेकेंड डिवीजन के लिए भी मिलेगा ग्रेस अंक, यानी कि अगर फर्स्ट डिवीजन के लिए या सेकेंड डिवीजन के लिए अगर आपका कुछ अंक कम हो जाता है, 5 अंक कम हो जाता है, 10 अंक कम हो जाता है, तो आप लोगों को जो है ग्रेस अंक देकर जो है आप लोगों को डिवीजन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस अपडेट में और भी क्या क्या जानकारी दी गई है पूरा अपडेट मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि यह जो अपडेट है आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरीके से झारखंड बोर्ड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या लिखा गया ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूं आप इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। देखो इसमें लिखा है जैक मैट्रिक और इंटर परीक्षा के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार। दोस्तों आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम्स रद्द कर दिए गए हैं, आप लोगों का एग्जाम्स नहीं लिया गया है और आप लोगों का रिजल्ट बनाने का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है वो 9वीं और 11वीं के परिणाम के आधार पर आ गया है। और कई सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर मेरा जो है एक विषय में जो है सी ग्रेड आ गया है, किसी मेरा एक विषय में जो है डी ग्रेड आ गया है तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, इस बार 100% आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो अपडेट आई है इसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे मैं क्या क्या बता रहा हूं, क्या क्या इसमें लिखा गया मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा। देखो इसमें लिखा है 9वीं और 11वीं में एक विषय में फेल रहने पर 5 अंक का ग्रेस अंक दिया जाएगा, यानी कि 5 अंक का ग्रेस अंक दिया जाएगा एक विषय में आप फेल हैं तो। ध्यान दीजिए आगे लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरीके से फॉर्मूला आप लोगों का तैयार किया गया है, आप लोगों को आपको पता होगा कि जैक बोर्ड ने परसों जो है एक अपडेट जारी किया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जारी किया गया है जिसमें उन्होंने फॉर्मूला के बारे में बताया है, इंटरनल असेसमेंट की में कितने अंक बच्चों को देना है, थ्योरी में कितने अंक किस आधार पर देने हैं, वो पूरी चीज़ें प्रोसेस में उन्होंने जो है बताया है। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं एक बार फिर से उस वीडियो में पूरा क्लियर करके बताऊंगा, मैं ऑनलाइन आकर जो है ऑनलाइन क्लास में ले रहा था उसी में मैं ये अपडेट बताया हुआ था, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है मैं पहले इसको बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इंटरनल असेसमेंट में बच्चों को कितना अंक दिया जा रहा है एग्जैक्ट में बताऊंगा और थ्योरी पेपर में कितने अंक दिए जाएंगे, किस आधार पर दिए जाएंगे, सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पे क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा। देखो लिखा है कि 2021 बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला जो है तैयार कर लिया गया है, कौन, जैक बोर्ड ने, ठीक है। देखो इसमें लिखा है इसे लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है, यानी कि जो फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है आपको बताया था 5 कमेटी बैठेगी, ठीक है, उसके बाद स्कूल स्तर पर भी कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट और प्रायोगिक परीक्षा के साथ साथ आपके थ्योरी पेपर में कितने अंक दिए जाएंगे ये जैक डिसाइड करेंगे और इसकी जो है कमेटी गठित हो गई है। देखो इसमें आगे क्या लिखा है जैक द्वारा रिजल्ट को लेकर तय किए गए प्रावधान के अनुरूप इस वर्ष मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थियों को किसी विषय में 100 में 80 अंक तक कक्षा 9वीं और 11वीं के प्रावधान के आधार पर दिए जाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि 9वीं 11वीं के जो बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं वो मार्कशीट पर हुआ है और आप लोगों का जो है फुल मार्क कितना है,
फुल मार्क आप लोगों का 40 है एक विषय में। तो आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों को आया है 9th और 11th में जो भी अंक आप लोगों को मिला है आप उसको डबल कर दीजिएगा, ठीक है, आप उसको डबल कर दीजिएगा, आपका अंक वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखो इसमें आगे क्या लिखा है, लिखा है कि अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 9 या 11वीं में एक विषय में फेल है एवं 5 अंक तक का जो है ग्रेस अंक देने पर वह पास हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर 9वीं और 11वीं के किसी भी विषय में आप फेल हो रहे हैं तो आपको 5 अंक देकर ग्रेस अंक दिया जाएगा। तो उसमें अगर आप फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं तो 5 अंक तक का ग्रेस और दिया जाएगा, समझ लीजिए, यानी कि आप लोगों का बल्ले बल्ले है, क्योंकि आप सब जो है इस बार बोर्ड की परीक्षा में काफी अव्वल आने वाले हैं और 100% आप लोगों का रिजल्ट जो है तैयार होने वाला है। यहाँ पे साफ साफ ये बताया गया है दोस्तों, आप ध्यान पूर्वक सुने, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि 9वीं और 11वीं के किसी भी विषय में अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको 5 अंक जो है ग्रेस दिया जाएगा, और उसमें भी पास नहीं हो रहे हैं तो आपको फिर से जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उसमें भी एड करके 5 अंक दिया जाएगा। बहुत ही खुशखबरी आप सभी के लिए है। देखो इसमें आगे क्या लिखा है, लिखा है कि इसी प्रकार फर्स्ट व सेकेंड डिवीजन के लिए भी ग्रेस मार्क दिया जाएगा। यहाँ पे समझो, जो विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन के लिए 5 अंक या 6 अंक उनका कम आ जाता है, सेकेंड डिवीजन के लिए 5 अंक या 6 अंक उनका कम आ जाता है तो उसमें भी ग्रेस अंक दिया जाएगा। पहले क्या इसमें दिया था अपडेट, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थी, जिसमें यह बताया गया है कि 9वीं और 11वीं के किसी भी विषय में फेल हो रहे हैं उसमें भी ग्रेस अंक दिया जाएगा, फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड होने के लिए उसमें आप जो है एक नंबर कम आ रहा है तो उसमें भी आप लोगों का ग्रेस अंक देकर पास कर दिया जाएगा, आप लोगों को डिवीजन दे दिया जाएगा। देखो इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि उदाहरण स्वरूप मैट्रिक में 300 अंक प्राप्त करने पर विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी में पास घोषित किया जाता है, यानी कि 300 अंक आप लोग लाते हैं तो आप लोगों को फर्स्ट डिवीजन दिया जाता है, फर्स्ट डिवीजन आप लोग की श्रेणी में आप लोग आते हैं। दोस्तों आगे लिखा है कि अगर किसी परीक्षार्थी को कुल 295 से लेकर 299 तक अंक प्राप्त हुआ है, यानी कि समझिए कि 300 अंक जो आप लोगों का फर्स्ट डिवीजन आता है उसमें से 5 अंक आप लोगों का कम है, यानी कि 295 से लेकर 299 तक आप लोगों का प्राप्तांक आता है तो इसमें जो है यहाँ पे बताया है उसे अधिकतम 5 अंक देकर ग्रेस अंक दे दिया जाएगा। 295 नंबर आया है तो आपको 5 अंक ग्रेस दे दिया जाएगा तो आप फर्स्ट डिवीजन हो जाओगे, आपका 300 नंबर हो जाएगा। देखो इसमें आगे क्या लिखा है, लिखा है कि ग्रेस मार्क मिलने के बाद विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, जो ग्रेस अंक आप लोगों को मिला जाएगा जो 295 नंबर आप फुल टोटल नंबर लाए हैं उसमें 5 अंक जो ग्रेस अंक दिया जाएगा और टोटल मिलाकर आपका 300 हो गया तो आपको जो है फर्स्ट प्रथम श्रेणी का उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आप लोगों को कर दिया जाएगा। देखो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन आने में 5-6 नंबर आप लोगों का कम आ जाता है तो आप लोगों को ग्रेस अंक देकर पास कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप थर्ड डिवीजन में आने में जो है आप लोगों का 5 या 6 नंबर कम आ जाता है तो उसमें भी आप लोगों को ग्रेस अंक देकर जो है डिवीजन दे दिया जाएगा, यानी कि मैट्रिक इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्जाम में अगर आप फर्स्ट डिवीजन आने वाले हैं, सेकंड आने वाले हैं, थर्ड डिवीजन आने वाले हैं उसमें आपका कम नंबर आ रहा है तो आपको जो है ग्रेस अंक कर जो है डिवीजन दे दिया जाएगा, आपको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया जाएगा। देखो इसमें आगे क्या लिखा है, लिखा है कि कक्षा 9 और 11वीं में 5 विषय की परीक्षा होती है और 4 विषय में पास होने वाले विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है। दोस्तों आपको भली भांति पता होगा कि 9वीं और 11वीं के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें 5 विषय का जो है एग्जाम्स लिया जाता है और 4 विषय में आप लोगों का पास होना अनिवार्य होता है तभी आप लोगों को जो है अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है। लेकिन मैट्रिक इंटरमीडिएट के जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें 6 विषय के एग्जाम्स लिया जाता है जिसमें 5 विषयों में जो है आप लोगों को पास होना अनिवार्य होता है तभी आपको उत्तीर्ण की घोषणा किया जाता है, ठीक है, तभी आपको जो है पास किया जाता है, आपको डिवीजन दिया जाता है। देखो इसमें आगे क्या लिखा है, लिखा है कि विद्यार्थी जो है सफल घोषित किए जाते हैं, 5 विषय में जो विद्यार्थी जो है मैट्रिक इंटरमीडिएट में पास होते हैं उनको जो है उत्तीर्ण जो है घोषणा किए जाते हैं। लिखा है कि ऐसे में कक्षा 9 और कक्षा 11वीं की परीक्षा पास करने वाले वैसे विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा कि 11वीं की जो बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम निकला है ऐसे में वे सभी विद्यार्थी जो 4 विषय में ही पास थे उन्हें इस प्रावधान से जो है काफी लाभ मिलने वाला है, काफी लाभ होगा, यानी कि जो प्रावधान तैयार किया गया है, जो कटिकल तैयार किया गया है कि इस प्रावधान के अनुसार बच्चों को ग्रेस अंक दिया जाएगा, इससे जो है जो विद्यार्थी 4 विषय में पास हुए हैं उनको काफी ज्यादा जो है लाभ मिलने वाला है। देखो इसमें आगे लिखा है 5 या उससे कम अंक
से फेल होने वाले विद्यार्थी मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर जाएंगे। यानी कि अगर आप 5 अंक से फेल होने वाले हैं, 6 अंक से फेल होने वाले हैं, तो आपको ग्रेस अंक देकर जो है पास कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आप लोगों का 100% आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। बहुत ही बड़ी आप सभी के लिए खुशखबरी है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसमें आगे क्या और बताया गया है, मैं आप लोगों को पूरा पढ़ के बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो इसमें लिखा है कि फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन के लिए भी मिलेगा ग्रेस अंक। कक्षा 9वीं और 11वीं में 5वें विषय में फेल विद्यार्थी को ग्रेस मार्क देकर जो है उनको पास कर दिया जाएगा। 9वीं और 11वीं में मैंने अभी तुरंत बताया है, आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको फिर से जो है रिपीट करके आप इस वीडियो को पूरा ध्यान पर सुन लीजिएगा। देखिए इसमें आगे क्या लिखा है कि 6ठे विषय में औसत अंक दिए जाएंगे। जो 6ठा विषय है, मैंने आपको बताया था कि एडिशनल विषय में आप लोगों का औसत अंक देकर औसत अंक किस तरीके से दिया जाएगा, जो आपका 5 विषय में जो अंक आया है तो उसमें कुल जोड़कर और 5 से भाग दे दिया जाएगा, जो औसत अंक होगा वो 6ठी विषय में एड किया जाएगा, 6ठी विषय का उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। देखो इसमें लिखा है कि कक्षा 9 और कक्षा 11वीं में 5 विषय की परीक्षा ही होने के कारण मैट्रिक और इंटर में 6ठे विषय का औसत अंक देने का प्रावधान किया गया है। 5 विषय का औसत प्राप्त अंक 6ठे विषय के अंक होगा। जो 5वें विषय का औसत अंक होगा वही 6ठे विषय का जो है प्राप्तांक होगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें लिखा है कि रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनाए गए प्रावधान को जो है सरकार ने भी सहमति दे दी है। और आगे यहाँ पे लिखा है कि इसी महीने जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी होने वाला है। कब तक रिजल्ट जारी होगा यह भी सुनिए, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट इस माह जारी कर दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा स्कूल व कॉलेज से 13 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा का अंक पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 90% पोर्टल पर जो है आप लोगों का जो मार्किंग सिस्टम है, आप लोग जो प्रैक्टिकल का एग्जाम का जो अंक दिया गया है और इंटरनल असेसमेंट का अंक दिया गया है, वो सभी जो है 90% अपलोड हो चुका है। अब सिर्फ 10% अपलोड होना बाकी है। 15 के बाद आप लोगों का रिजल्ट का प्रोसेस इतना तेजी से होने वाला है कि 20 से लेकर 22 तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। देखो इसमें क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे कि इसके बाद 20 से 25 जुलाई का रिजल्ट जारी करने की संभावना बताया गया है। यहाँ पे यह भी बताया गया है कि 20 से लेकर 25 जुलाई के बीच में जो है आप लोगों का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम्स का जो रिजल्ट आने वाला है वो 100% आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, यानी कि अधिकतम बच्चे पास होंगे और फेल होने का चांसेस जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम आप लोगों का फेल होने का चांसेस है। 100% रिजल्ट बनेगा। और जो विद्यार्थियों को मन में डाउट रहता है कि मेरा अगर 2 नंबर आ जाता तो मैं 1st डिवीजन हो जाता, 1 नंबर आता तो मैं 2nd हो जाता, 5 नंबर आता तो मैं 1st हो जाता है, तो उन सभी बच्चों के मन में जो डाउट हो रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताया हूं कि आपको ग्रेस अंक देकर पास कर दिया जाएगा, 100% आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। साथ में दोस्तों झारखंड बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि जैक के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह, उन्होंने भी यह कहा है कि मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनाए गए प्रावधान के अनुरूप ग्रेस मार्क भी दिया जाएगा। उन्होंने ये साफ साफ कहा है, साथ में कहा है कि रिजल्ट इस माह के अंत तक जारी होने की पूरी संभावना है। झारखंड बोर्ड के जो अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह सर ने ये साफ साफ ये कह दिया है कि आप लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा और ग्रेस अंक देकर जो है आप लोगों को मार्किंग किया जाएगा, यानी कि बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। आप लोगों का जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतर आने वाला है, 100% आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।